बेंगलुरु ने कोलकाता नाइट राइडर्स की बजा दी है पुंगी। बेंगलुरु ने कोलकाता को 82 रन से हराया। केकेआर के खिलाफ आरसीबी की सबसे बड़ी जीत। इसके बाद दिनेश कार्तिक मुंह दिखाने लायक नहीं रहे। पॉइंट्स टेबल में टॉप 3 में कार्तिक समेत 8 बल्लेबाज दहाई का आंकड़ा भी नहीं छू सके। इसके बाद वो किस मुंह से अपनी टीम के ऑनर्स को अपना मुंह दिखाते हैं। आईपीएल के 13वें सीजन के 28वें मैच में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने कोलकाता नाइट राइडर्स शाहरुख के पट्टों को 82 रन से हरा दिया। रनों के लिहाज से केकेआर के खिलाफ आरसी की अब तक की सबसे बड़ी जीत है। इससे पहले बेंगलुरु ने कोलकाता में 2019 में 10 रन से हराया था। इस जीत के साथ बेंगलुरु पॉइंट्स टेबल में 3रे स्थान पर पहुंच गई है। बेंगलुरु ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 195 रनों का टारगेट दिया। 195 रन में आज जिस तरीके से डिविलियर्स ने बैटिंग की, हर कोई कह रहा था कि भैया क्यों रिटायरमेंट ले लिया इसने इंटरनेशनल क्रिकेट से, अभी भी ये सबका बाप रखा है। जवाब में केकेआर ने 9 विकेट पर सिर्फ 112 रन ही बना सकी। कप्तान दिनेश कार्तिक समेत टीम के 8 बल्लेबाज दहाई का आंकड़ा भी नहीं छू सके। केकेआर के शुभमन गिल ने 34 रन, राहुल त्रिपाठी और आंद्रे रसेल 16 रन, बेंगलुरु के वाशिंगटन सुंदर और क्रिस मॉरिस ने 2-2 विकेट लिए। नवदीप सैनू, इसरू उड़ाना, युजवेंद्र चहल और मोहम्मद सिराज को 1-1 विकेट मिला। नहीं चला दिनेश कार्तिक का बल्ला। दिनेश कार्तिक बिल्कुल फ्लॉप चल रहे हैं। पिछले मैच में जरूर मैन ऑफ द मैच मिला था, लेकिन इस मैच में सिर्फ 1 रन ही बना सके। उन्हें युजवेंद्र चहल ने बोल्ड किया। इसके बाद यॉन मॉर्गन भी ज़्यादा टेक नहीं सके और 8 रन वाशिंगटन सुंदर की बॉल पर इसरू उड़ाना को कैच दे बैठे। बेंटन राणा सस्ते में आउट हुए। इस मैच में केकेआर ने सुनील नारायण की जगह टीम में शामिल किया बेंटन को, जो इंग्लैंड के बल्लेबाज है। वो कुछ खास नहीं कर सके। उन्हें नवदीप सैनी ने बोल्ड किया। इसके बाद नीतीश राणा 9 रन और वाशिंगटन सुंदर ने उन्हें आउट किया। शुभमन गिल 34 रन बनाकर रन आउट हुआ। डिविलियर्स कोहली ने 5 ओवरों में 83 रन जोड़े। आखिरी के 5 ओवर में जब डिविलियर्स और कोहली बैटिंग कर रहे थे तो आग उगल रहे थे। उन्होंने आरसीबी ने 2 विकेट पर 194 रन बनाए। डिविलियर्स ने 30 बॉल पर शानदार 50 लगाई, वे 33 बॉलों पर 73 रन बनाकर नॉट आउट रहे। वहीं विराट कोहली ने 28 बॉल पर 33 रन बनाए। उन्होंने अपनी पारी में सिर्फ 1 ही चौका लगाया। दोनों आखिरी ओवरों में 5 ओवरों में 83 रन बनाकर वापस पवेलियन लौटे। केकेआर के आंद्रे रसेल और प्रसिद्ध कृष्णा को 1-1 विकेट मिला। डिविलियर्स और कोहली ने मिलाकर 3000 से ज़्यादा रन बनाए हैं। एबी डिविलियर्स और कोहली ओवरऑल आईपीएल में अब तक 3000 से ज़्यादा रन बना चुके हैं। दोनों के इस बीच मैच में 30 विकेट किए, 47 बॉल पर 100 रन की नाबाद पार्टनरशिप भी हुई। कोहली और डिविलियर्स ने आईपीएल में रिकॉर्ड 10 बार 100 रन की पार्टनरशिप की। उनके अलावा कोहली क्रिस गेल के बीच 9 बार हो चुकी है। शिखर धवन डेविड वार्नर के बाद के बीच भी 9 बार हो चुकी है। जॉनी बेयरस्टो और डेविड वार्नर के और गौतम गंभीर, रॉबिन उथप्पा के बीच 5 बार सेंचुरी की पार्टनरशिप हो चुकी है। अगर आज रसेल चलते तो मैच कुछ और होता। रसेल ने अपने T20 कैरियर में 300 विकेट पूरे कर लिए हैं। आज उन्होंने 1 विकेट लिया और उसी के साथ वो 300 विकेट करने वाले बल्ले बॉलर बन गए। शाहरुख ब्रिगेड को आरसीबी विराट कोहली ने बड़ी पटखनी दी है। अगर आपको हमारी ये सूचना पसंद आए, हमारी जानकारी पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, खबर को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। जय हिंद दोस्तों।